जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। और आजकल मैं फायर फाइटिंग की एग्जाम की तैयारी के लिए एमसीक्यू टाइप सेट डालता हूं, तो आज मेरा एमसीक्यू टाइप सेट 10 है, सेट 10 है, और जितने भी 10 सेट मैंने डाल चुका हूं, और दोस्तों इनमें से आपको काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सेट 10 में पहला क्वेश्चन है, हवा की संरचना होती है, इसमें नंबर वन ऑप्शन है नाइट्रोजन, नंबर दो ऑक्सीजन, नंबर थ्री है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस सभी। तो दोस्तों हवा के अंदर ये सभी गैस पाई जाती हैं, आपको सभी पे टिक करना है। नेक्स्ट है उष्मा को मापने की इकाई होती है डिग्री सेल्सियस, नंबर दो डिग्री फारेनहाइट, सभी दोनों। तो दोस्तों ये दोनों होती हैं। दहन के स्तर होते हैं प्रज्वलन स्तर, बढ़ता स्तर, लो स्तर, क्षत्रिय स्तर, सभी। तो आग के दहन के दोस्तों ये सभी स्तर होते हैं, तो आपको सभी पे टिक करना है। दोस्तों होज को खराब होने के कारण होते हैं फफूंदी, एसिड, ऑयल, ग्रीन पेंट, सभी। तो दोस्तों होज इन सभी वजह से खराब हो सकता है, तो आपको सभी पे टिक करना है। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होता है बिल्डिंग की निजी व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, कोई नहीं, बिल्डिंग की निजी व्यवस्था होती है ये। दोस्तों इस पे आपको टिक करना है। बिल्डिंगों में डायरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है आग का पता लगाने हेतु, बुझाने हेतु, दोनों, कोई नहीं, आग का पता लगाने हेतु डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों बिल्डिंगों में। आजकल बिल्डिंगों में डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी सेंसर, सभी सभी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लेटेस्ट में मल्टी सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। डिटेक्टर से डिटेक्टर की दूरी होती है 10 से 12 फीट, 12 से 15 फीट, 15 से 20 फीट, सभी। तो दोस्तों डिटेक्टर से डिटेक्टर की दूरी होती है 12 से 15 फीट। स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने हेतु, आग का पता लगाने हेतु, दोनों। तो स्प्रिंकलर सिस्टम का दोस्तों ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसका इस्तेमाल आग बुझाने हेतु किया जाता है। स्प्रिंकलर से स्प्रिंकलर की दूरी होती है 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, सभी। तो दोस्तों स्प्रिंकलर से स्प्रिंकलर की दूरी होती है 3 मीटर। बिल्डिंगों में ज्यादातर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाता है नीला, पीला, लाल, हरा। तो दोस्तों बिल्डिंगों में ज्यादातर फायर ब्रिगेड के अंदर लाल स्प्रिंकलर जो कलर कोड है उसका ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।